मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटीए एक्सपर्ट। और रोज़ बारिश हो रही है थोड़ी बहुत ऋषिकेश में, लेकिन बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो मौसम गर्म हो जाता है। फिर भी इतना गर्म नहीं है, अभी मई के हिसाब से इस बार अभी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हुई है। तो आज हम आपको एक और ऐसी जगह पर विज़िट कराने वाले हैं जहाँ पर मोस्टली सभी लोग चाहते हैं कि जब ऋषिकेश आएँ तो यहाँ पर आकर वो रहें। प्रॉब्ली होता है कई बार कि आप होटल्स भी यहाँ पर सर्च करते हैं और रेंटल, अगर आप रेंट पर आना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस इन ऋषिकेश जिसकी मैं बात कर रही हूँ। लक्ष्मण झूला, तपोवन है ये एरिया। और यहाँ पर क्योंकि हमारे पास जब से हमने प्रॉपर्टीज़ की सीरीज़ शुरू की है, हमारे पास काफ़ी रिक्वायरमेंट्स आई हैं जो लोग यहाँ तपोवन में लैंड लेना चाहते हैं। तो आज उनके लिए हम एक बहुत अच्छा ऑप्शन देने जा रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी इस एरिया के बारे में, क्योंकि ये एरिया पूरा कमर्शलाइज बहुत हो चुका है, तो इसीलिए प्रॉपर्टीज़ के जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो लो बजट में प्रॉपर्टी अगर आप देख रहे हैं तो वो यहाँ पर नहीं पॉसिबल है। लेकिन हाँ, अगर आपका बजट है तो उसके हिसाब से, क्योंकि लोकेशन बहुत अल्टीमेट है और बहुत ज़्यादा डिमांड में हमेशा होती है, तो आपका दोनों पर्पस सॉल्व हो जाते हैं। अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा ऑप्शन है, और यहाँ रह कर अगर आप कोई बिज़नेस आगे अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहते हैं तो उसके लिए ये लोकेशन बहुत अल्टीमेट है। तो यहाँ रहकर आप कोई भी अपना नया बिज़नेस भी शुरू कर सकते हैं। तो आइए हम आपको विज़िट कराते हैं, गंगा जी के दर्शन पहले कर लेते हैं और उसके बाद हम विज़िट कराते हैं जो लैंड हम यहाँ तपोवन में आपको दिखाने वाले हैं। फर्स्ट लैंडमार्क है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ही आप लक्ष्मण झूला से आगे की तरफ आते हैं, ये सामने डेक्कन वैली बहुत फेमस सोसाइटी है ये, और यहाँ से ही आपको राइट की तरफ एक रास्ता जा रहा है, वहाँ पर जाना है। और यहाँ से ही बहुत ज़्यादा आगे नहीं है, थोड़ी सी दूर पर है, तो हम आपको लेकर चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हम मेन रोड से सिर्फ 200 मीटर लगभग अंदर आए हैं और ये पूरी इतनी बड़ी लैंड आप देख रहे हैं। ये पूरी लैंड पास्ड है, कमर्शियल होटल यहाँ पर पहले बनना था तो इसलिए ये कमर्शियल पर्पस के लिए भी पास है। तो देखिए, आज ये प्रॉपर्टी हम आपको जो दिखा रहे हैं ये मल्टीपर्पस हो सकती है आपके लिए, क्योंकि जो तपोवन एरिया है बेसिकली यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती ही हैं। घर भी बने हुए हैं आप देख सकते हैं, और होटल्स भी बने हुए हैं, इंस्टीट्यूशंस भी अलग अलग बने हुए हैं। तो दोनों पर्पस के लिए ये एरिया बहुत ही ज़्यादा एप्रोप्रिएट है और बहुत ज़्यादा इवन डिमांड में भी रहता है। और शायद यही रीज़न है कि जो लैंड है इसका अभी रेट मैं आपको बताने वाली हूँ, किस तरह के प्लॉट्स यहाँ पर हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लॉट है ये, उसमें छोटे छोटे प्लॉट्स इसमें बनाए गए हैं। देखिए, ये प्लॉटिंग जो इसमें हो रखी है कुछ इस तरह से लैंड है ये कि नीचे से हम जैसे चढ़ते जाएंगे तो ये आपको थोड़ा सा हाइट दिखती जाएगी। ग्रीनरी देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर आपको दिख रही है, सामने भी इस तरफ माउंटेन है और इस तरफ भी आपको पूरा ग्रीनरी दिख रही है। मेन लक्ष्मण झूला से ये 700 मीटर लगभग दूरी है इसकी, और पूरा जो मेन हाईवे रोड है वहाँ से 200 मीटर है। मार्केट की बात करें अगर हम मेन ऋषिकेश मार्केट की, तो वहाँ से लगभग 4 किलोमीटर है ये। अगर हम बात करें यहाँ से एयरपोर्ट की दूरी की, तो यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी है। देहरादून की बात करें तो लगभग 50 किलोमीटर्स, हरिद्वार 30 किलोमीटर्स, और यहाँ से जब हम आगे की तरफ जाते हैं तो शिवपुरी आपने नाम सुना होगा, लगभग 11 किलोमीटर यहाँ से है। तो मैंने पूरा एरिया आपको मैंने बताया है कि कहाँ से क्या इसकी दूरी है। सेकेंड थिंग कि यहाँ आसपास स्कूलिंग के लिए, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो अच्छे स्कूल्स हैं वो शामपुर की तरफ हैं, और छोटे बड़े हर तरह के स्कूल्स यहाँ पर हैं। तो अगर आप यहाँ पर परमानेंट शिफ्टिंग की भी सोचते हैं तो ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ऑलरेडी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ आपको आबादी नज़र आ रही है। तो यहाँ पर ये पर्पज़ आपका सॉल्व होता है कि आप रेजिडेंशियल के साथ साथ कमर्शियल एक्टिविटी भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं। यहाँ पर ये कुछ प्लॉट्स ऑलरेडी इवन आई थिंक 5-6 प्लॉट्स यहाँ पर ऑलरेडी सेल हो चुके हैं। और धीरे धीरे क्योंकि ये जिस जगह पर ये लैंड है यहाँ पर हमेशा डिमांड रहती है, लैंड नहीं मिलती है, इसलिए इसके ये ज़्यादा अब जितना जल्दी आप इन्हें कांटेक्ट करेंगे आपको मिल जाएगी। तो मिनिमम जो एक लैंड एरिया आपको लेना है यहाँ पर 200 स्क्वायर यार्ड्स आपको लेना पड़ेगा। और बड़ा अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं, लेने को तो आप पूरी लैंड भी एक साथ ले सकते हैं, लेकिन 500 स्क्वायर यार्ड के भी प्लॉट्स यहाँ पर हैं। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो रेट इन्होंने रखा है, जो छोटे प्लॉट्स हैं वो 55,000 पर स्क्वायर यार्ड है, और जो बड़े प्लॉट्स हैं वो आपको 50,000 स्क्वायर यार्ड में मिल जाएगा। नेगोशिएबल है, ऑफ कोर्स आप नेगोशिएट कर सकते हैं। नंबर्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देंगे जो यहाँ के जो डील कर रहे हैं यहाँ इस प्रॉपर्टी के लिए, वो आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं। और बेटर होगा अगर आप पहले यहाँ पर आकर विज़िट करें, क्योंकि उससे आपको पूरा इवन देखिए जब भी हम कोई लैंड की बात करते हैं, इवन जैसे हमने पहले भी आपको दिखाई हैं और लैंड्स, जब तक हम खुद जाकर फिज़िकल विज़िट नहीं करते हैं ना, माइंड सेट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि प्लॉट लेना, घर बनाना पूरी ज़िंदगी का सपना होता है, तो उसे हम ऐसे ही सिर्फ फ़ोन पे या वीडियो देखकर हम फाइनल नहीं कर सकते हैं। बेटर होगा आप आएँ, विज़िट करें, लोकेशन देखें, आसपास की जगह देखें, सराउंडिंग्स देखें, और उसके बाद आप डिसाइड करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हमने पहले भी जैसे वीडियोज़ में दिखाया है, जो प्रॉपर्टी गंगा जी के पास होती हैं वो प्रॉपर्टी एक्सपेंसिव हैं। तो जो हमने पहले भी दिखाया है आपको, डिमांड लोगों की यही होती है कि हम अगर ऋषिकेश में आएँ और हम सेटल होते हैं, हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो हम गंगा जी के पास लें, या हमें रिवर व्यू मिले, हमें माउंटेन व्यू मिले, और अच्छी लोकेशन हो। लेकिन होता क्या है ना कि वो बजट उनका थोड़ा कम होता है। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप गंगा जी के पास लैंड लेना चाहते हैं तो बजट आपको हाई ही मिलेगा। हालांकि लोग ये भी कहते हैं कि इतने बजट में तो हम दिल्ली और मुंबई में हम प्रॉपर्टी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा हो भी सकता है, आप ले सकते हैं। लेकिन ऋषिकेश है, देवभूमि है, यहाँ पर जो है वो वहाँ नहीं है। माँ गंगा का आशीर्वाद है यहाँ पर, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए मैं रोड के बारे में आपको बता देती हूँ। यहाँ का जो इंटरनल रोड है 20 फीट का रोड है, और जो अप्रोचेबल है 25 फीट का है। साथ ही यहाँ पर देखिए जो मेजरमेंट है इसका, क्योंकि मैं हर प्लॉटिंग का मेजरमेंट अलग होता है थोड़ा सा, इसका जो मैप हमारे पास क्योंकि ऑलरेडी है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ में अटैच करेंगे वीडियो के साथ, तो वो आप देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेंगी, तो आप डायरेक्ट कॉल करके जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं, उसके बाद ही आप अपना विज़िट प्लान कर सकते हैं। इस तरह के ऑप्शंस क्योंकि यहाँ पर देखिए ऋषिकेश में जब आप लैंड लेने की सोचते हैं, और वो भी स्पेशली तपोवन एरिया में, तो इस तरह की लैंड आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हो चुकी है। तो इतनी बड़ी लैंड आपको एक साथ नहीं मिल सकती है। ये जो लैंड है ये पहले यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल होटल प्रोजेक्शन में था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो नहीं बना है। इसीलिए हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि यहाँ पर रह सकते हैं आप, प्लॉटिंग इसीलिए हो रही है यहाँ पर, तो आप ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ेंगे। और इसीलिए आपको ये ऑप्शन हमने दिया है। आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसी तरह से लाइक शेयर करते रहें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, अदरवाइज़ आपको ऐसे ऑप्शंस नहीं मिल पाएंगे। और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा। इसी के साथ हम दूसरी वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेकर आने वाले हैं। मे भी हो सकता है वो प्रॉपर्टी की हो, या फिर किसी और इवन हमारे माइंड में जो चल रही हैं चीज़ें कि यहाँ पर किस तरह के बिजनेसेस आपको हम ऑप्शंस जो हैं यहाँ पर वो हम आपके साथ डिस्कस करें। तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। हम आपको जल्दी कुछ और ऑप्शंस लेकर आने वाले हैं आपके लिए कमर्शियल पर्पस के लिए। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।